क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ये भारत में ही कहीं पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया देश में है, जो है अंकोर वाट का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अंकोर वाट के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है, जो कि मेकांग नदी के किनारे रीप शहर में स्थित है। ये भव्य मंदिर हिंदुओं के भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर में बहुत सारी अद्भुत कलाकृतियाँ हैं, जो कि विशेष हिंदू शैली में बनी हुई हैं। ये भव्य मंदिर लगभग 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला है और इसके साथ ही ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इस कारण ही 1992 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस मंदिर का मूल नाम क्या था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके स्थापना के संदर्भ में ना तो कोई शिलालेख पाए गए हैं और ना ही इसके समकालीन शिलालेखों में इसका कोई जिक्र है, परंतु इसे वराह विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की भव्यता और विशालता के कारण 1983 में इस मंदिर को राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक के रूप में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया गया है। कुछ लोग इस मंदिर के बारे में मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवराज इंद्र ने किया था। खैर, जहां बात आस्था की होती है वहां किसी प्रकार का तर्क वितर्क मायने नहीं रखता। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण इंद्र ने अपने बेटे के लिए किया था। कंबोडिया के इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की मूर्तियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इतिहास पर अगर नजर डालें तो करीब 27 शासकों ने कंबोडिया पर राज किया, जिसमें से कुछ हिंदू और कुछ बौद्ध थे। शायद इसी वजह से दोनों धर्मों की मूर्तियां यहां पर दिखाई देती हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भी है। इसकी दीवारें रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक और पवित्र धर्म ग्रंथों की कहानियां कहती हैं। यहाँ की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत से जुड़े कई अंश देखने को मिल जाएंगे। कई सालों तक इस मंदिर की पहचान खोई रही थी, लेकिन बाद में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद की नज़र जब इस पर पड़ी और उसने फिर से एक बार दुनिया के सामने एक बेशकीमती और आलीशान मंदिर को प्रस्तुत किया। यहाँ पर आने वाले बहुत से लोग इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किए जाने की बात करते हैं, क्योंकि ये इतना प्राचीन और इतना विशालतम है कि ये विश्व के 7 अजूबों में अपनी जगह बना सकता है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं को प्रसन्न करके अमर बनना चाहते थे, इसलिए उसने यहाँ पर एक विशेष पूजा स्थल बनाया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती थी। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन ये मंदिर यहाँ आने वाले लोगों को आश्चर्यचकित जरूर कर देता है, क्योंकि हजारों साल पहले इतने विशाल मंदिर को बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है। बाद में जब यहाँ पर बौद्ध साम्राज्य स्थापित हुआ, तब यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य स्थापित हुआ। यहाँ पर आने वाले पर्यटक न केवल इस मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, बल्कि यहाँ का सूर्यास्त और यहाँ का सूर्योदय देखने के लिए भी आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भी भारतीय मंदिरों की तरह ही है। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा अंकोर वाट मंदिर के बारे में। हमारा आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।